हर हर महादेव, आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं मित्रों, आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दर्शकों, यदि आपकी कोई कामना है जो बहुत समय से अटकी हुई है, माँ लक्ष्मी को आप अपने घर में आमंत्रित करना चाहते हैं, तो तुलसी में बांध दें इस रंग का धागा, आपकी जीवन की हर कामना पूर्ण होगी। तुलसी जी की रोजाना पूजा करने से, उसमें नियमित रूप से जल चढ़ाने से घर में माँ लक्ष्मी का स्थापित वास होता है और माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर हमेशा बनी रहती है। हिंदू धर्म में तुलसी जी को बहुत पवित्र और पूजनीय माना जाता है। तुलसी माँ लक्ष्मी के प्रतिरूप मानी गई है। मान्यता है कि जिस भी घर में तुलसी का पौधा होता है, उस घर में कभी भी नकारात्मकता जन्म नहीं ले पाती है। तुलसी जी रोजाना पूजा करें, नियमित रूप से जल चढ़ाएं। शास्त्रों के अनुसार जितना महत्वपूर्ण तुलसी पूजन है, उतना ही शुभ है तुलसी जी पर बांधा गया धागा। इससे सुख बढ़ता है। तुलसी को धागा बांधना बहुत ही लाभकारी होता है। हालांकि ज़्यादातर लोग तुलसी को कलावाही बांधते हैं, लेकिन तुलसी को धागा बांधते समय रंग और नियम का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं तुलसी जी में कौन से रंग का धागा बांधना शुभ होता है और इससे क्या फल की प्राप्ति होती है। तुलसी को पीला धागा बांधना चाहिए। कलावा बांधा जा सकता है, लेकिन कलावे से ज़्यादा उत्तम है रेशमी पीला धागा बांधना। ऐसा इसलिए क्योंकि कलावा सूत का प्रतिरूप होता है और सूत तुलसी जी को नहीं बांधा जाता है, जबकि तुलसी जी को रेशमी धागा ही बांधना चाहिए। तुलसी को धागा बांधते समय ध्यान रखिए यह बातें। मान्यता है कि अपनी इच्छा को बोलते हुए तुलसी पर पीला धागा बांधने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है, आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है और घर में धन धान बाधित करने वाले दोष भी दूर हो जाते हैं। पीला रंग भगवान विष्णु का प्रिय रंग है, वहीं तुलसी जी भगवान विष्णु को पसंद है। ऐसे में तुलसी को पीला धागा बांधने से भगवान विष्णु की कृपा हम पर हमेशा बनी रहती है और घर में परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है और घर परिवार के सदस्यों को भी कोई अनिष्ट नहीं होता है। पीला रंग बृहस्पति का भी माना जाता है। ऐसे में तुलसी जी को पीला धागा बांधने से बृहस्पति कुंडली में मजबूत और शुभ बनते हैं। बृहस्पति की उच्च दीक्षा और दशा के प्रभाव से व्यक्ति को जीवन में सफलता प्राप्त होती है और घर में बरकत बनी रहती है। यदि आप भी तुलसी जी में कोई धागा बांधना चाहते हैं, आपकी कोई कामना है, तो विशेष रूप से आप इस उपाय को अवश्य ही करिएगा। खासकर सोमवार, शुक्रवार, गुरुवार के दिन यदि आप तुलसी जी में पीले रंग का रेशमी धागा बांधते हैं, तो उस धागे को बांधते समय उसमें अपनी कामना के अनुसार गांठ लगा दें। ध्यान रखें, जो गांठ लगा रहे हैं वह आप 5, 7 या 11 गांठें लगाएं। उसके बाद तुलसी जी में वह पीला धागा बांधकर तुलसी जी को धूप दीप दिखाएं और 11 परिक्रमा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के साथ आप तुलसी जी की अवश्य करें। कहते हैं इस उपाय को करने से तुलसी जी हमारी कामना को पूर्ण करती हैं और माँ लक्ष्मी हमारे घर में स्थायी रूप से वास करती हैं। यदि उपाय अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माँ लक्ष्मी।